जनता जो है इन नेताओं के नाम से और नेताओं की शक्ल से सच मायने में ऊब चुकी है। पहले देखिए दूसरे के घर में वो पत्थर फेंके जिसके अपने घर शीशे के ना हो। अरे कृष्णपाल गुर्जर पिछले दिनों कह रहे थे जी कि आप गूगल में उठा के देख लीजिए पिछले 10 साल में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। अगर किसी भी साथी को कांग्रेस के को टिकट मिलती है मैं उसके साथ रहूंगा, मैं चुनाव किसी अन्य पार्टी से नहीं लड़ूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के स्टूडियो में। लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय देश की जो मोदी सरकार है उसके प्रति विपक्ष ने अविश्वास जताते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया हुआ है। आज लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपना वक्तव्य दिया था और उनके साथ स्मृति ईरानी बोली थी और गृहमंत्री अमित शाह भी बोले थे। मतलब मान लिया जाए कि पूरा देश चुनावी मोड पर है और जब चुनावी मोड शुरू होता है तो उस स्थिति में चाहे कोई नवागत नेता हो और चाहे कोई धुरंधर नेता हो, वो सबकी उम्मीद होती हैं और सबकी आशाएं होती हैं कि वे भी अपने क्षेत्र की अपने इलाके की राजनीतिक रूप से सेवा करें। और राजनीतिक रूप से सेवा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है कि चुन करके विधानसभा या लोकसभा में जाना, और उस चुनने के लिए जो आज का सिनेरियो बन चुका है तो उसके लिए सबसे पहली लड़ाई होती है टिकट की कि आखिर कौन सी पार्टी से टिकट मिले, कौन प्रत्याशी हो। और उसके बाद जब प्रत्याशी तय होकर आते हैं तो फिर चुनावी मैदान में मुकाबला होता है, जनता तय करती है। लेकिन सबसे जो पहली लड़ाई होती है वो यही होती है कि टिकट मिले, और टिकट की दौड़ जो चलती है अगर वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, खासकर हरियाणा जैसे प्रदेश में, वो अपने ज़िले या अपने क्षेत्र से जाकर दिल्ली पर टिक जाती है। और दिल्ली के बारे में कहते हैं ना कि दिल्ली ऊँचा सुनती है, तो दिल्ली को सुनाने के लिए जो नेता होते हैं, जो इच्छुक लोग होते हैं, चाहे वो मैंने बोला ना धाकड़ नेता हो या नवागत नेता हो, तो उनको अपनी आवाज़ उस नक्कारखाने तक पहुंचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और क्योंकि चुनाव मोड में देश आ चुका है, लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में जिन लोगों की इच्छा है कि कहीं वो भी चुन करके देश की बड़ी पंचायत में जा करके अपने क्षेत्र की अपने हलके की लोगों को समस्याओं को उठाएँ, बातें रखें, वो तैयारी कर शुरू कर चुके हैं। जब आप कभी फरीदाबाद से पलवल की तरफ जाएं, तो आपको एक बोर्ड दिखेंगे कि आपका अपना जगजीत। अब आप सोचते होंगे कि आपका अपना जगजीत कौन है, तो आपका अपना जगजीत कौन है उनसे मिलाने के लिए मैंने हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जगजीत जी, क्या एकदम से आया आपके मन में कि आपका अपना जगजीत के नाम के आपके बोर्ड लगे हुए हैं? क्या इच्छा है, क्या उम्मीद है? धन्यवाद संजय भाई, आपने मुझे मौका दिया जी अपने स्टूडियो में बुलाने का। आपका अपना जगजीत या मेरा अपना जगजीत वो इसलिए है भाई साहब क्योंकि जनता जो है इन नेताओं के नाम से और नेताओं की शक्ल से सच मायने में ऊब चुकी है। एक पराकाष्ठा चली आ रही है कि नेता, नेताओं के बेटे नेता, नेताओं के दामाद नेता, नेताओं के परिवार का कोई और सदस्य भी नेता। तो क्यों ना पब्लिक के बीच से, आम पब्लिक के बीच में से उनका बेटा, उनका भाई भी विधानसभा या लोकसभा में जाए, लोकसभा में पहुंचे। ये पराकाष्ठा चेंज करनी है कि नेताओं की जो चली आ रही है ना फेरिस्त, ये चेंज करनी है। और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता का जो मैंने मन टटोला और टटोल भी रहा हूँ, उनसे रायशुमारी कर रहा हूँ। मैंने कोई ये नहीं है कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, ऐसा नहीं है। वो तो पार्टी का आदेश होगा, टिकट पार्टी देगी तो मैं चुनाव बिल्कुल लड़ूंगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। लेकिन जनता जो है ना वो ये चाहती है कि हमारे बीच का काफ़ी लंबे टाइम बाद एक भाई आया है जो लोकसभा चुनाव में दावेदारी ठोक रहा है और हमारी सी बात कर रहा है। ठीक है जगजीत जी, अभी आपने कहा कि नेता और नेता के बाद नेता का बेटा और उसके बाद उसका बेटा जी। आज 9 अगस्त है जी, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अपने ट्विटर से जी, जो ट्विटर अकाउंट है उससे उन्होंने एक पोस्ट की थी जी कि परिवारवादियों भारत छोड़ो जी। आप जिस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं जी, उस पार्टी पर ही आरोप परिवारवाद के हैं कि वह परिवारवाद की राजनीति होती है वहाँ पर, तो आप फिर कैसे वहाँ सेटिस्फाई करेंगे, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए संजय जी, अब तक कांग्रेस ने जितने भी प्रधानमंत्री देश को दिए उनमें से अब तक 3 प्रधानमंत्री कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार से बने हैं, जिनमें से 2 ने देश के लिए शहादत दी है, और जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने देश का
एक निर्माण किया है, एक उज्ज्वल भविष्य रख कर के आज के नेताओं को दिया है, परोसा है। और ये चीज़ जो आज हम भोग रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देश की विभिन्न ढांचे में जो भी इमारतें हैं, जो भी संस्थाएं हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बनाई हुई दी हुई हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। माननीय इंदिरा गांधी जी और माननीय राजीव गांधी जी ने अपने सीने पर गोलियां खाई हैं, बम फड़वाए हैं, देश के लिए शहादत दी है। तो ये परिवार परिवारवाद नहीं है। आप जो नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हो, वसुंधरा राजे जी का बेटा क्या है, सांसद है। श्री प्रेम कुमार धूमल जी का बेटा सांसद है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का बेटा सांसद है। धूमल साहब का तो केंद्रीय मंत्री भी है, अनुराग ठाकुर जी। वहां परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह जी का बेटा, राजनाथ सिंह जी का बेटा विधायक है, पंकज। तो ऐसी लंबी फहरिस्त है। पहले देखिए, दूसरे के घर में वो पत्थर फेंके जिसके अपने घर शीशे के ना हो। हमने परिवारवाद के हम खिलाफ है, हम खुद खिलाफ है कि ये नहीं कि पराकाष्ठा चली आए, लेकिन जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं और देश को सींचा है। भाई साहब, जब हमारा देश आजाद हुआ था, हम पे चिड़िया मारने उड़ाने वाली बंदूकें नहीं थी। आज हम एक एक बुलंद भारत में रहते हैं, हमें गर्व है इस बात का। और वो नींव जो रखी है वो कांग्रेस ने रखी है। 70 साल में जितनी भी, 14 से पहले जितनी भी पार्टियों ने राज किया देश पे, जो भी प्रधानमंत्री रहे हो, बीच में देवगौड़ा जी भी रहे, गुजराल जी भी रहे, चंद्रशेखर जी भी रहे, हमारे देश पे 53 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आज 14 से और अब तक वो कर्ज मात्र 9 साल में वो कर्ज 3 गुना ज्यादा हो गया है। आज शिक्षा की, बेरोजगारी की, रोजगार की, भ्रष्टाचार की, एक मणिपुर की देखिए आप, बड़े शर्म की बात है, 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी मैं बोलने के लिए तैयार नहीं है मणिपुर पे। पर देश के प्रधानमंत्री, हम ये नहीं कह रहे आपको, हमको राजनीति नहीं कर रहे इस मामले पे, हम बस ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपील करें। प्रधानमंत्री जी की अपील का कुछ तो असर होगा, जो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं उनसे बैठ के बात करें। हमारे नेता राहुल गांधी जी वहां पर गए थे, उनको वहां पर जाने नहीं दिया बहुत सी जगह। प्रधानमंत्री जी वहां पर जाने तो बहुत दूर की बात है, आज बोलने के लिए तैयार। चलिए वापस आते हैं जी। परिवारवाद का आपने अच्छी डेफिनेशन दी जी, कि उनका परिवारवाद, आपका परिवारवाद, मोदी जी का परिवारवाद, सारे परिवारवाद अलग अलग हैं जी। आपने ये कहा कि अभी क्योंकि आम आदमी, मैं वापस आ रहा हूँ, आपका अपना जगजीत, मेरा अपना जगजीत जी जी, तो आपने ये कहा कि लोगों को ये लगे कि उनके बीच का कोई आदमी है जी, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से? बढ़िया, देखिए मैं बिल्कुल सीधे और स्पष्ट बात कह रहा हूँ, ना कोई बनावटी बात, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं रहा हूँ, ना नेता बनना चाहता हूँ। मैं भी लोगों के बीच में कह रहा हूँ, नेता बहुत बना लिया, अब की बार बेटा को देख लीजिए। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और सच मायने में हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता, इनका जो नेता लोग है ना जी, इनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि ये बड़े लुभावने वादे लेकर के जनता के बीच जाते हैं। मतलब कौन से नेता? कृष्ण पाल गुर्जर है। हाँ। आप देखिए स्मार्ट सिटी के करण सिंह दलाल भी आपकी पार्टी के नेता। करण सिंह दलाल जी हमारे नेता है, हम कब मना कर रहे हैं, नेता नहीं। तो उनका चेहरा देखना चाहते हैं लोग? नहीं, वो तो पलवल विधानसभा क्षेत्र के जनता तय करेगी। फरीदाबाद लोकसभा टिकट मांग रहे हैं ना वो? हम मांग रहे हैं, सबका अधिकार है, वो भी मांगे, मैं मांग रहा, कोई और मांगे, वो तो जनता। आपने कहा कि नेताओं का चेहरा नहीं देखना चाहते लोग, नेताओं, खाली बीजेपी वाले नेताओं का चेहरा नहीं देखना चाहते, आपकी पार्टी वाले नेताओं का चेहरा देखना चाहते हैं। मैं तो जो जनता के बीच में जा रहा हूँ, वो जनता इस बात को कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ दो बार मुंह खोलते हैं खाने के लिए और झूठ बोलने के लिए। मेरे पास करण सिंह दलाल जी क्या कांग्रेस के, क्योंकि हम तो सत्ता में नहीं है, हम उनकी कोई बात ही नहीं आई। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर फरीदाबाद का जो शोषण हुआ है, फरीदाबाद के विकास के नाम पर जो फरीदाबाद का चीरहरण हुआ है, 64 कंपनियां और उसके साथ साथ जो वर्कशॉप थी जहां से रोजगार चल रहा था वो बंद हो गई है। रेल बंद की रखकर रखी है, जो EMU शटल जो होता था, हमारे कितने हजारों लोग उधर से इधर आते थे फरीदाबाद कल नगरी में, लेकिन वो बंद कर दिए गए और लोग मजबूरी बस पेट्रोल डीजल के वाहनों से आ रहे हैं और ज्यादा खर्चा वहन कर रहे हैं। फरीदाबाद का पूरी तरह से कृष्णपाल गुर्जर ने शोषण किया है, प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं वो, और उन पे जितनी अथाह संपत्ति उन्होंने और उनके नियर डियरों ने फरीदाबाद की जनता का खून चूस करके जो अर्जित की है ना, फरीदाबाद की जनता तैयार बैठी है, एक बार कृष्णपाल गुर्जर जी जा करके वोट मांगे दिखाएं।
10 साल हो गए कृष्ण पाल गुर्जर जी को जी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार को, देश में केंद्र की सरकार को जी 10 साल का ही करते हैं जी। उससे पहले 10 साल आपकी सरकार थी जी। आपने कहा कि फरीदाबाद में काम नहीं हो रहे, आपने कहा स्मार्ट सिटी, आपने बहुत सारी बातें जी जी जी। मनोहर लाल जी 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, 10 साल मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा रहे जी। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं तो मनमोहन सिंह 10 साल पीएम रहे जी। 10 साल से कृष्णपाल गुर्जर अगर एमपी होने जा रहे हैं तो 10 साल आपके अवतार सिंह बढ़ाना सांसद रहे थे। बिल्कुल रहे जी। तो आपकी पार्टी ने क्या कर दिया था? ये बताइए ना सर, हमारे टाइम पर आप ये जो रोजगारी बेरोजगारी की जो बात है वो दर देख लीजिए आप निकाल करके, कितनी कंपनियों ने पलायन किया, आज का डाटा निकाल लीजिए और जब का निकाल लीजिए, जब कांग्रेस हरियाणा में भी थी और केंद्र में भी थी और सांसद भी हमारे यहाँ से कांग्रेस के थे। हमने यहाँ पर बसाने का काम किया। आप देखिए, अगर फरीदाबाद के आप विकास को बात को लेकर जाते हैं, जो फरीदाबाद में उद्योग नगरी का जो जाल फैला वो किसने फैलाया? वो कांग्रेस सरकार ने फैलाया था। इल्म होगा आपको भी कि चौधरी भजनलाल जी ने, जगजीत जी, फरीदाबाद का राइट था जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने जी, कांग्रेस का सांसद आपका गुड़गांव भी था, फरीदाबाद भी था, चमका गुड़गांव फरीदाबाद की तैसी तैसी हो गई इस समय पर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपकी बात, फरीदाबाद का नंबर क्यों नहीं लगा? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं था। एक्चुअली क्या था कि फरीदाबाद के जब शुरुआत में जब चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फरीदाबाद को बहुत डेवलप किया। आज जो फरीदाबाद में उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता और एशिया के मानचित्र पे जाना जाता रहा है, अब डाउन गया है इस सरकार की उदासीनता। अरे कृष्णपाल गुर्जर पिछले दिनों कह रहे थे जी कि आप गूगल में उठा के देख लीजिए पिछले 10 साल में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, आप खुद देख लीजिए ना कृष्णपाल गुर्जर क्या बोले क्या नहीं बोले। कृष्णपाल गुर्जर जी मेरे साथ गांवों के रास्ते पे चले ना, देखिए आप गढ़खेड़ा जाकर के देखे ना, आप गरोड़ा से इधर क्या कहते हैं इधर ठाकुर के जो गाँव है अपने इधर सोते वगैरह इधर जाकर के देखिए ना आप, थोड़ी सी बरसात हो जाती है अभी भी देखिए आप हाईवे तक जाम हो जाता है, हाईवे पानी भर जाता है। कृष्णपाल गुर्जर जी अगर विकास दिखाना चाहते हैं तो मुझे साथ लेके चले, मैं उन्हें साथ लेके चलने के लिए तैयार हूं और उनका जो विकास मॉडल वो दिखाऊं, जनता को पता है देख रही है। हाँ, विकास जरूर हुआ है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन विकास जो हुआ वो कृष्णपाल गुर्जर जी का निजी विकास हुआ है, आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग प्रॉपर्टी डीलर लोग हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है, अपना भरा जग का भरा इनके लिए, वो नीति है इनकी। और रही गुड़गांवा की जो आप बात कर रहे हो, गुड़गांवा एयरपोर्ट है इसलिए हम मल्टीनेशनल कंपनियों के जो ऑफिस आए, आप देखिए यहाँ पर कारखाने लगे वहाँ पर ऑफिस आए, ऑफिस क्यों आए? क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट नज़दीक था। अब जेवर एयरपोर्ट जिस दिन हमारा जेवर नज़दीक जेवर एयरपोर्ट लगता और कनेक्टिविटी वहाँ तक होंगी, अब देखना फरीदाबाद में फिर एक साथ उछाल आएगा। तो इसके लिए बधाई दे दो कृष्णपाल जी को फिर तो, उनकी किस बात की? जेवर एयरपोर्ट की नींव किसने रखी थी, किसका प्रपोजल था भाई साहब? संजय जी वो कांग्रेस का था, कृष्णपाल गुर्जर का तो इसमें कोई योगदान ही नहीं है बिल्कुल भी। ये जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, दो साल पहले उसका हुआ है शुभारंभ, तो क्या वो नहीं, क्या बात है, 2014 में रिक्वायरमेंट शुरू, 2013 में रिक्वायरमेंट शुरू हो गई थी और हो भी चुकी थी। एक्चुअल तो ये 2011 का प्रपोजल है, आप देखिए डॉक्यूमेंट्स निकाल करके के साइट पे जा करके देखिए, बड़े इतना बड़ा एयरपोर्ट एशिया का बड़ा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, क्योंकि दो दिन का तो काम तो होगा ही नहीं, गांव के गांव हटाए भी गए हैं, जमीन एक्वायर कराई गई है, विजिबिलिटियां देखी गई है, बहुत काम होते हैं जो भी निर्माणाधीन। मतलब ये कह रहे हो कि वो कांग्रेस की देन है? बिल्कुल, कांग्रेस सरकार के नहीं है। नहीं, सरकार ने देखिए कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो प्रोजेक्ट पास हुए हैं, हो सकता है उनका उद्घाटन हम करेंगे जब वो अमली जामा पहन जाएगा। 2024 में जो जेवर एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन कांग्रेस सरकार के जो भी प्रधानमंत्री उड्डयन मंत्री होंगे वो करेंगे। 2024 में आ जाएगी सरकार आपकी? हाँ बिल्कुल आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह तो हैट्रिक की बात चल रही है। कहां पर? बीजेपी के लोग तो हैट्रिक। भाई साहब देखिए, कहते हैं ना मन बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आम जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। इन लोगों को सिर्फ जो है ना हिंदू और मुसलमान, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं यादव नॉन यादव, पटेल नॉन पटेल, हम कहते हैं इनसे कि रोजगार दो, कहते देखो शिवलिंग निकल आया, शिवलिंग 800 साल पुराना, हजारों साल पुराना शिवलिंग ढूंढ लिया, बहुत अच्छी बात है, मैं सनातन धर्म से हूँ, अच्छी बात है, हमारे अगर पुरातत्व विभाग के हमारे अवशेष जो हमारे दिल और आत्मा से जुड़े हुए वो मिलते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन पुलवामा में वो 300 किलो 200 किलो RDX कहाँ से आए, ये क्यों नहीं ढूंढा गया आज तक? अभी क्वेश्चन करके देखिए ना इन भाजपा वालों से, वो RDX श्रीनगर पहुंचा क्यों और कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, उसकी जांच कहाँ है आज तक? सिर्फ देश में फर्जीवाड़ा, फर्जी राष्ट्रवाद को लेकर के ये लोग दो बार सत्ता में आ गए, काट की हांडी हमारे कहावत है, बार बार नहीं चढ़ा करती, अब नहीं चढ़ेगी, इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार बैठी। चलिए फरीदाबाद में वापस आते हैं जी, क्या उम्मीद है फरीदाबाद जनता से आपको, नंबर एक जी? नंबर दो, कितनी उम्मीद है टिकट मिलने की?
और तीसरा आखिरी सवाल इसी साथ ही जोड़ के चल रहा हूँ जी कि अगर टिकट नहीं मिलता कांग्रेस का तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, मैं आपने जो दो नंबर पे क्वेश्चन जोड़ा उसको मैं एक नंबर पे लाता हूँ। टिकट मिलने की कितनी उम्मीद है? देखिए, जो भी कार्यकर्ता होता है, जो चाहे वो परीक्षार्थी होता है, वो पास होने की कहता मैं 100% पास होऊंगा, वो लगवाते कई बार कोई कठिन क्वेश्चन आ जाए तो कंपार्टमेंट भी आ जाती है, फिर फेल हो जाता। तो कंपार्टमेंट हो गया, फेल हो गया, पास। मैं मेरिट में का भरोसा रखने वाला हूँ। आप मुझे बचपन से जानते हो मेरे भाई, मैंने जो भी क्षेत्र में काम किया है, पत्रकारिता में किया तो दबंग तरीके से किया, और राजनीति भी कर रहा हूँ तो दबंग तरीके से कर रहा हूँ। पास नहीं, मेरिट के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, बाकी पार्टी तय करेगी, हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा वो मंजूर होगा। दूसरी बात, जिसको भी टिकट मिले, मान ली मुझे टिकट नहीं मिलती है कई बार, हमारा प्रयास है, ये तो लक की बात और पार्टी के नेताओं का भरोसे की बात है। अगर किसी भी साथी को कांग्रेस के को टिकट मिलती है, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं चुनाव किसी अन्य पार्टी से नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल भी, मैं उनका साथ दूंगा तन से मन से धन से, जो भी मेरे बन पाएगा। तीसरी बात, अगर मुझे टिकट मिलती है, रही जनता की उम्मीद की बात, 36 बिरादरियों का पूरी तरह से समर्थन मिल रहा, मैं नहीं कह रहा मेरे लिए हजारों लोग खड़े मिलते, नहीं, अगर कहीं पे 100 व्यक्ति 50 या 150 मिल रहे तो मजबूत मिल रहे हैं, क्योंकि मैं कोई फेमस चेहरा नहीं हूँ, फेमस चेहरा बन जाऊँगा। आप मुझे देश रोजाना अपने चैनल पे, मुझे अगर इंटरव्यू चलेगा तो मैं फेमस भी बनूंगा, और आपका सहयोग हमेशा पूर्व की भांति मिलता रहेगा, फेमस भी बनेंगे। और लास्ट में एक बात, मैं आपने तीन बात कही, मैं चौथी बात एक और कह देता हूँ, 2024 में जगजीत शर्मा सांसद बनेंगे, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनेंगे, और इसी प्रकार का यहाँ पे इंटरव्यू करेंगे, और आपसे मैं बधाई स्वीकार करूंगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा। चलिए, अग्रिम बधाई देते हैं जगदीप भाई आपको। धन्यवाद भाई। पत्रकार साथी हैं पुराने, और वाकई बहुत दबंगई से पत्रकारिता करते रहे हैं, आज राजनीति के क्षेत्र में हुनर आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपको कि आप इसके अंदर कामयाब हों। धन्यवाद। और जो आपने कहा है कि जो वापसी वहीं आ रहा हूँ, आपका अपना जगजीत जी, तो यानी कि जो आम आदमी है, जो धरातल का आदमी है, जो जमीन का आदमी है, यदि वाकई आगे जाएगा तो लोगों को भी खुशी होती है। तो हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप सफल हों जिस मेहनत में लगे हुए हैं जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य, लोकसभा सीटों की संख्या कुल 10, 90 हैं इसमें विधानसभाएं, और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मकूब।